ये आज का जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है और छत्तीसगढ़ में अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि कई संभागों में, कई जिलों में ऐसी विशाल जनसभाएं हुई है और आज के सतनाम भवन के परिसर में यह सभा मैं समझता हूं कि बड़ी विशेष है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया था। क्या संदेश दिया था? मानव मानव एक समान, यानी जितने भी मानव हैं वो मानव सब समान है और समानता के आधार पर मानव का जो है वो सामाजिक रचना, आर्थिक रचना, राजनीतिक रचना, सांस्कृतिक रचना ये होनी चाहिए। यह संदेश बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में दिया था, इसलिए सतनाम भवन के आगे ये जो सभा है मैं समझता हूं कि बड़ी महत्वपूर्ण है। और आज बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी जो है, जिसकी आबादी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 45% है, मंडल कमीशन के हिसाब से 52% थी, 45 से 52% के बीच में हम असेसमेंट मानते हैं कि आज देश का ओबीसी है। आज भी भारत के आजादी के 70 साल बाद भी ओबीसी का जो है वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्या मेजर प्रॉब्लम है? मैं आपको एक छोटा डेटा बताना जरूरी समझता हूं। भारत सरकार के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट्स के 70-71 डिपार्टमेंट्स में ग्रुप ए सर्विसेज में जो 27% ओबीसी है उसमें 16% बैकलॉग है, ग्रुप बी के अंदर में फिर 16% बैकलॉग है, ग्रुप सी के अंदर ओबीसी में 8% बैकलॉग है। महत्वपूर्ण बात है, ग्रुप ए के अंदर 16% बैकलॉग, ग्रुप बी के अंदर 16% बैकलॉग, ग्रुप सी के अंदर 8% बैकलॉग। और शेड्यूल्ड कास्ट का 1% बैकलॉग है ग्रुप ए में और 1.7% ट्राइबल्स का बैकलॉग है। लेकिन जब हम जनरल कैटेगरी को देखते हैं तो 18% वो सरप्लस है, यानी देश में जो 15-20% जनरल कैटेगरी के जो आबादी है, ग्रुप ए में लगभग 70% उनके ऑफिसर्स है और ग्रुप बी के अंदर में 67% उनके ऑफिसर्स है। ये एक बड़ा लेटेस्ट डेटा है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यानी भारत के आजादी के 70 साल बाद भी ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में जहां क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर्स होते हैं वहां पर ओबीसी का आज भी 16% बैकलॉग है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में देने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको देना चाहता हूं कि भारत का जो बजट है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2018-19 का जो यूनियन बजट है, उस यूनियन बजट में ओबीसी के लिए 24,42,000 करोड़ के बजट में, 24,42,000 करोड़ के बजट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को केवल 872 करोड़ रुपया दिया। मोदी गवर्नमेंट ने ओबीसी को 24,72,000 करोड़ में अदर बैकवर्ड क्लासेस का एलोकेशन केवल 872 करोड़ रुपया है। इसका मतलब यह होता है कि 100 रुपए में 40 पैसा, एक रुपया भी नहीं, 40 पैसा। जिस ओबीसी की आबादी 45% है देश के अंदर में, जिस ओबीसी की आबादी को बजट के अनुपात में लगभग 25-30% उसको पैसा मिलना चाहिए था, उस ओबीसी को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, मैं लेटेस्ट डाटा आपको बता रहा हूं, केवल 40 पैसा दिया, 100 रुपए में 40 पैसा दिया। यानी ओबीसी के 45% ओबीसी की जो वैल्यू है भारत के अंदर में, मेरे लिहाज से ओबीसी गवर्नमेंट, ओबीसी के जो वैल्यू है बीजेपी के नजरों में केवल 40 पैसा है, केवल 40 पैसा है, एक रुपया भी नहीं है। इस एक बात को, महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको बताता हूं कि भारत में जितना वेल्थ है, वेल्थ यानी संपत्ति है, उस संपत्ति का
60% जो संपत्ति है भारत के 60% संपत्ति वो भारत के केवल एक प्रतिशत लोगों के पास है. भारत में 57 ऐसे लोग हैं, 57 ऐसे लोग हैं जो बिलियनर्स हैं, जिनके पास पूरे भारत की 70% आबादी की वेल्थ है. पिछले एक साल में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हमें लौ जिहाद में भटकाए रखा, हमें बी फिटिंग में भटकाए रखा, हमें भीमा कोरेगांव में भटका कर रखा, ना जाने हमें कितने कितने स्लोगन्स में और इश्यूज में भटका के रखा, रानी पद्मावती के पिक्चर में भटका के रखा, उस एक साल के अंदर भारत के 100 लोगों को इसी मोदी गवर्नमेंट ने जितना केंद्रीय बजट था उतना पैसा 100 लोगों को जो है वो ट्रांसफर किया. यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने केवल 100 लोगों को जो है भारत के जो है वो ट्रांसफर किया. स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट 2006 में आया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया. राहुल गांधी जी कल यहां भिलाई में आकर गए, मैं समझता अच्छा होता कि आज वो होते और एक साथ मैं यहां होता और वो यहां होते स्टेज पे, तो आज ही फैसला हो जाता था कि देश के अंदर में किसको क्या आता है. लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो जो है ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर नवंबर में आएगी छत्तीसगढ़ की, तो इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर में राहुल गांधी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे और विजय मानकर यहां से जाने वाला नहीं है, ये आप लोगों को मालूम है. और इसलिए ठीक है, 3 महीना और पढ़ाई कर लेने दो, दोनों को अपनी अपनी डिग्री चेक कर लेने दो, नरेंद्र मोदी को भी डिग्री चेक कर लेने दो, राहुल गांधी को भी डिग्री चेक करने दो. और जब राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप मुझसे पार्लियामेंट में 15 मिनट चर्चा करें, तो नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी को जवाब दिया कि मैं आपसे 15 मिनट चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बगैर कागज के मेरे से चर्चा करो. तो मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आप दोनों कागज नहीं बुक्स लेकर आओ, पूरी रिपोर्ट्स लेकर आओ और मेरे साथ 1 घंटा चर्चा करके दिखाओ, मैं बगैर बुक्स के और कागज के आपके साथ चर्चा करता हूं.